हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। देखो, आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं ना, वो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ नाइन्थ के लिए नहीं, 10th और उसके आगे की जब आप पढ़ाई करोगे ना, उसके बाद भी, मतलब उसके लिए भी क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है जीनेटिक डिसऑर्डर। तो उसमें हम लेने वाले हैं क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज। ओके, तो देखो, जीनेटिक डिसऑर्डर मतलब क्या? दैट इज द डिसीज और डिसऑर्डर ऑकर ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटीज इन क्रोमोजोम एंड म्यूटेशन इन द जीन। अब ये क्या है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, जीनेटिक डिसऑर्डर। अभी ये जो क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज आती है, विच इंक्लूड क्यों होता है, दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 होते हैं या 23 पेयर होते हैं, तो मतलब उसमें नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, या डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब उसे कम होते हैं। कभी कभी क्या होता है, डिलीशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब जो पार्ट होता है ना वो डिलीट हो जाता है, या कभी कभी ट्रांसलोकेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम विच ऑकर द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। ओके, अभी इसके जो एग्जाम्पल है डिफरेंट डिफरेंट वो है फिजिकल डिसऑर्डर लाइक क्लिप लिप, अल्बिज्म। अभी ये जो क्लिप्ड लिप है ना, ये देखो तुम लोगों को ऊपर के लिप फटी हुई दिख रहे, दिस वन इज द एग्जाम्पल। ओके, और सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज। अभी देखो, ये जो होता है ना, ये सभी जो है ना, जो एग्जाम्पल है, हम इसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं जब इस डिसीज का हम स्टडी करेंगे। ओके, अभी देखो ये क्यों होता है, तो ह्यूमन बींग है 46 क्रोमोजोम। देखो हर सेल में 46 क्रोमोजोम होते हैं, दैट मीन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम हमारे सेल में होते हैं, एंड देर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन शेप एंड साइज ऑफ दिस क्रोमोजोमल पेयर। मतलब देखो 23 पेयर क्रोमोजोम है, और हर इसके शेप और साइज भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, वेरिएशन है, मतलब डिफरेंसेस है। आउट ऑफ दिस 23 पेयर, मतलब जो 23 पेयर होते हैं उसमें से 22 पेयर आर ऑटोसोम, मतलब ये जो दिख रहे हैं ना 23rd को छोड़ के, जो 22 पेयर्स होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज ऑटोसोम विच कंट्रोल्स द कैरेक्टर ऑफ अवर बॉडी। मतलब हमारी हाइट, हमारा स्किन कलर, हमारे हेयर का स्ट्रक्चर, कलर, ये पूरे क्या करते हैं, कैरेक्टर कंट्रोल करने का काम, मतलब बॉडी के कैरेक्टर कंट्रोल करना का काम ऑटोसोम का होता है। और वन पेयर ऑफ दिस, देखो 23rd नंबर वाली, इट इज द वन पेयर, दिस इज कॉल्ड एज द सेक्स क्रोमोजोम, ऑल्सो कॉल्ड एज ओलोजोम। अभी इसको व्हाइट इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोजोम बिकॉज इट डिटरमाइन द जेंडर ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब बॉय या गर्ल, ये डिसाइड करने वाला है सेक्स क्रोमोजोम, ऑल्सो कॉल्ड एज ओलोजोम, इसको बोला जाता है। ओके, 23rd नंबर वाला। ओके, देन क्रोमोजोम इन विमेन, देखो मेल और फीमेल, मतलब विमेन के पास हमेशा क्रोमोजोम कौन से रहते हैं, 44 प्लस XX, देखो ये ऐसे, मतलब 44 क्या है, दिस आर ऑटोसोम, और XX क्या है, दिस वन इज सेक्स क्रोमोसोम और ऑलोसोम। अभी दिस वन इज, दैट मींस फीमेल है 44 प्लस XX क्रोमोसोम, तो मेन के पास कौन सा होता है, 44 प्लस XY क्रोमोसोम। ओके, ये मेल के पास होता है। अभी जो डिसऑर्डर होते हैं क्रोमोसोम में, तो ये कैसे होते हैं, मतलब इनके एग्जांपल क्या है, तो चलो देखते हैं। तो ऑस्प्रिंग आर नॉट स्टराइल, अभी स्टराइल मतलब क्या, इनफर्टाइल, दैट इज दे आर दे कैन नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रंस और यंग वन। ओके, दिस आर कॉल्ड एज द स्टराइल, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है कि नॉट स्टराइल, मतलब ये प्रोड्यूस रिप्रोडक्शन कर सकते हैं इफ देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ ऑटोसोम इज लेस। मतलब ऑटोसोम, मतलब 23 जो पेयर होते हैं ना, आउट ऑफ 22, 23 से जो 22 होते हैं ना, तो अगर इसमें चेंजेस भी आ गए तो ये स्टराइल, मतलब स्टराइल नहीं होते हैं। अभी इफ देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनी ऑटोसोमल पेयर, कभी कभी क्या होता है, जो ऑटोसोमल पेयर जो होती है ना, उसमें क्या होता है, इसके नंबर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और उसी वजह से क्या डिसऑर्डर होंगे, तो जैसे क्या एबनॉर्मिलिटीज आएगी, जैसे फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मिलिटीज आ सकती है, और वो जो चाइल्ड होता है उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। तो सबसे पहला जो है डिसीज वो है डाउन सिंड्रोम, ऑल्सो कॉल्ड एज 46 प्लस 1, ऑल्सो कॉल्ड एज
ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। देखो इसमें क्या होता है, इट अराइजेज ड्यू टू द क्रोमोसोमल एबनॉर्मिलिटी। तो दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर एंड डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग। तो इसमें क्या होता है, देखो प्रेजेंस ऑफ 47 क्रोमोसोम, मतलब हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं नंबर में 46, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है 47 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये कहाँ बढ़ जाता है, देखो 21st जो होता है दैट इज द ट्राइसोमी इन 21st क्रोमोसोम, मतलब 21st वाला जो क्रोमोसोम होता है वहां दो नहीं होते, वहां 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, और इसी वजह से दिस इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो यह जो जिस चिल्ड्रन के पास ये रहेगा ना, तो क्या होता है, इन दिस द इन्फेंट हैव वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम विद 21st पेयर ऑफ एवरी सेल। मतलब देखो यहाँ हर बॉडी के हर सेल में उसके 21st नंबर वाले क्रोमोसोम पेयर में एक क्रोमोसोम क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, मतलब 46 नहीं उसके पास 47 क्रोमोसोम होते हैं। अभी क्या होगा, तो मेंटल रिटार्डेशन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन डाउन सिंड्रोम, मतलब मेंटली रिटार्डेड होता है। ओके देन और कौन से सिम्टम्स होते हैं, जैसे शॉर्ट हाइट रहेगी उस बच्चे की, शॉर्ट वाइट नेक रहेगी, फ्लैट नोज, शॉर्ट फिंगर रहेगी, स्कैंडी हेयर, सिंपल दैट इज सिंगल हॉरिजॉन्टल क्रीज ऑन द पाम, हमारे पाम पे देखो क्रीज होती है लेकिन उसके पाम पे एक ही हॉरिजॉन्टल क्रीज रहेगी, उसका लाइफ स्पैन बहुत कम रहेगा, मतलब 60-20 ईयर ही रहेगा। दूसरा जो एग्जाम्पल है उसको टर्नर सिंड्रोम बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मतलब इसमें क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज 44+X, मतलब दिस अराइजेज ड्यू टू आइदर इनहेरिटेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द पेरेंट। मतलब इसमें क्या होता है, देखो हमें दोनों भी पेरेंट से दो क्रोमोसोम मिल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है एक ही क्रोमोसोम मिलता है उसको पेरेंट से। तो इसी वजह से देखो यहाँ 23rd नंबर वाली जो पेयर है वहां एक ही क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा उसके पास क्रोमोसोम ही नहीं है। दैट इज इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 44+XX कंडीशन होनी चाहिए ना, तो ये जो डिसीज है वीमेन में अराइज होती है, दैट इज द वीमेन सफरिंग फ्रॉम द टर्नर सिंड्रोम शो अ 44+X क्रोमो कंडीशन एंड सच वुमेन आर स्टराइल, स्टराइल मतलब इनफर्टाइल, विच हैव नॉट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द यंग वन। तो ये स्टराइल लेंगे क्यों, बिकॉज ड्यू टू द इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके तो इनके जो हैंड है तो ऐसा दिखेगा टर्नर सिंड्रोम वाले का। ओके उसके बाद है क्लैनिफर्ट सिंड्रोम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 44+XXY। तो ये जो होता है ना, दिस डिसऑर्डर अराइजेस इन मेन। तो इसमें क्या होता है, मेन है वन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, देखो 23rd जो पेयर है ना उसके पास XXY है, क्या चाहिए था XY चाहिए था ना, लेकिन यहाँ एक एक्स क्रोमोसोम आ जाता है किस डिसीज में, दैट इज द क्लैनिफर्ट सिंड्रोम में, एंड क्रोमोसोमल कंडीशन बिकम 44+XXY बन जाती है, एंड सच मेन इज सेक्सुअली स्टराइल, मतलब ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेगा बिकॉज देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर नॉट वेल डेवलप। ओके अभी क्या है, देखो एक मिशन का नाम है नेशनल हेल्थ मिशन। अभी देखो इसके नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हैज बीन स्टार्टेड सिन अप्रैल 2005, ए रूरल एरिया के लिए और अर्बन एरिया के लिए 2013 में एस्टेब्लिश हुआ है। अभी इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या एम है। ओके तो पहला जो है स्ट्रेंथनिंग द रूरल एंड अर्बन हेल्थ फैसिलिटी, मतलब वहां के लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी देना मेडिकल की। दूसरी है कंट्रोलिंग द वेरियस डिसीज एंड इलनेस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिसीज को कंट्रोल करना है। तीसरा है इंक्रीज द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ, लेकिन देखो हेल्थ के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसके बारे में अवेयरनेस लाना। और लास्ट वाला है ऑफरिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पेशेंट थ्रू वेरियस स्कीम, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम होती है जहाँ लोगों को मतलब पेशेंट को क्या किया जाता है, फाइनेंशियल हेल्प किया जाता है, और यही क्या है उसके चार एम्स है या ऑब्जेक्टिव है। ओके एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट